गांव में रात के अंधेरे में रहस्यमय सा छाया हुआ था। गांव वाले अपने घरों में समय बिता रहे थे, लेकिन एक युवक अर्जुन ने अपने मित्रों के साथ रात की अंधेरी राहों में चलने का निर्णय किया। अर्जुन और उसके मित्र ने गांव से बाहर निकलकर एक रहस्यमय जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल के अंदर अजीब अजीब आवाजें थी, परंतु ये तीव्रता से बढ़ती गई। अचानक उन्हें एक भूतिया हवेली मिली, जिसमें अत्यंत रहस्यमय माहौल था। हवेली के अंदर एक पुराना पियानो बज रहा था, जिसे कोई देख नहीं रहा था। अर्जुन और उसके मित्रों ने हवेली का रहस्य खोजते हुए एक पुराने डायरी को खोजा, जिसमें लिखा था कि इस हवेली के मालिक ने कभी धन की माध्यम से लोगों को ठगा, परंतु उसका अंत बहुत दुखद रहा। अर्जुन ने समझा कि धन का लोभ किसी को भी ठगा सकता है, और उसने अपने मित्रों को बताया कि वे वापस गांव की ओर बढ़ें और इस अच्छे सीख को अपनाएं। अर्जुन और उसके मित्रों ने गांव की ओर रुख किया और सभी गांव वालों को यह बात बताई। वे सभी मिलकर एक बड़े परिवार की तरह रहने लगे। गांव वालों ने साथ मिलकर एक समृद्ध और सामरिक गति से भरा गांव बनाया। यह सबका साथ सबका विकास का प्रतीक बन गया। अर्जुन ने यह दिखाया कि सच्चे साथी हमें सहारा देते हैं और अच्छा कार्य करने में हमेशा सफलता मिलती है। उन्होंने धन के मोह से बचकर सामृद्धि और समृद्धि की ओर बढ़ने का सबक सिखाया। प्यारे मित्रों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा सहयोग करें हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके, ताकि हमें और ऊर्जा मिल सके और हम आप सबके लिए अच्छी अच्छी और रोचक कहानियां प्रदान कर सकें। धन्यवाद।